हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू लर्निंग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर. दिस इज डॉक्टर मौर्य. वी आर ऑन द डे 5 ऑफ द प्रीपोजिशन. डे 5 ऑफ द प्रीपोजिशन एंड देन वी आर सपोज टू learn lot of things in prepositions. तो आज हम सीखते हैं कि समय को कैसे बताते हैं preposition से. समय तो preposition telling of time. prepositions that tell time. प्रीपोजिशन दैट टेल टाइम. ऐसे प्रीपोजिशन जो समय बताते हैं. समय बताने वाला प्रीपोजिशन समय. तो हम देखते हैं कि समय बताने वाला प्रीपोजिशन कौन कौन सा है. तो हम देखते हैं कि एक तो होता है फॉर और सिंस, जो कंटिन्यूअस में प्रयोग होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस. फॉर और सिंस ये भी समय बताता है और इसका प्रयोग हम पहले देखेंगे. तो एक होता है पीरियड ऑफ टाइम. पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम. तो पीरियड ऑफ टाइम एंड पॉइंट ऑफ टाइम, इस चीज को पहले समझिए. तो पीरियड ऑफ टाइम, टाइम को अगर हम सीक्वेंस मान लें, ये धारा है, समय को अगर हम धारा मान लें, तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कि दो के बीच में, यहां से यहां तक, ये पीरियड ऑफ टाइम है. ये अगर टाइम की करंट मान लें, ये करंट ऑफ टाइम है. तो कुछ दूरी को हम अगर करंट ऑफ टाइम, ये दिन का टाइम है, दिन में हम इसको देख रहे हैं, टाइम को हम दिन में देख रहे हैं. दिन में अगर हम 4 days लिखें, 4 days जो है ये पीरियड का टाइम है. 4 days, 4 days का मतलब यहाँ से यहाँ तक, 1, 2, 3, 4, ये यहाँ तक जो है ये 4 days हो गया. इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, पीरियड ऑफ टाइम. तो पीरियड ऑफ टाइम को आप नोट कीजिए. तो पीरियड ऑफ टाइम में ये करेंट ऑफ टाइम होता है, करेंट ऑफ मंथ हो सकता है, करेंट ऑफ ईयर्स हो सकता है, नहीं, और करेंट ऑफ ईयर्स हो, जैसे जिसमें साल के हो, करेंट ऑफ मंथ हो सकता है, ऐसे करके है. तो इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. और पॉइंट ऑफ टाइम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम मतलब ये टाइम का जो करंट है, तो इसमें कोई एक निश्चित पॉइंट, कोई ये निश्चित पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये साल का करंट है, ये करंट ऑफ ईयर्स है, करंट ऑफ ईयर्स. हाँ, करंट ऑफ, अब यहां पर हम लिखते हैं कि 213. तो ये करंट ऑफ ईयर्स में ये पॉइंट बतलाता है, 2013 के पॉइंट बतलाता है. तो ये समय के किसी स्टेज पर अगर कोई पॉइंट बतलाता है तो उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम. समय के स्टेज पर अगर कोई पीरियड बतलाता है तो उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. नेक्स्ट गो कि अब देखें कि इसका कैसे प्रयोग करते हैं. जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप जब देखते हैं, जब टाइम का प्रयोग होता है तो सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं. जैसे ही हैज बीन वर्किंग फॉर
for 2 days. He has been working for 2 days. He has been working. वो दो दिनों से काम करते रहा है। यहां पर हमने फार का प्रयोग किया, ठीक है। तो क्यों फार का प्रयोग किया इसको समझिए, क्योंकि यह डेज का ये करंट है और इसमें से हमने दो दिन लिए, ये एक दिन और ये दो दिन। तो आप समझ लीजिए इतने इतने समय को हम बोलते हैं फॉर, क्योंकि ये अवधि बतलाता है, समय की अवधि बतलाता है। अच्छा, अब इसे हम जो है अगर हम कहें कि सिंस 2 o'clock ये घड़ी के हिसाब से 24 घंटा में या समय ये टाइम में कोई एक पॉइंट आता है, ये पॉइंट बताता है 2 o'clock। तो सिंस जनवरी, तो ये सिंस जनवरी करने का मतलब हो गया कि जनवरी का ये इसका महीने का फ्लो है और उसमें जनवरी ये पॉइंट बनता है। तो फॉर और सिंस का प्रयोग जो है इसी तरह से किया जाता है। इसको फॉर और सिंस का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी होता है, टाइम कंसेप्ट फॉर और सिंस का। तो फॉर का प्रयोग जो होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है और सेंस का होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। मैंने इसका प्रयोग बताया फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फॉर 2 days जैसे फॉर 2 days ये 3 months बताएगा फॉर बताएगा। और जब निश्चित कोई पॉइंट बताएंगे जैसे सिंस जनवरी, सिंस मंडे, सिंस 1935, तो ये जो है ये पॉइंट बताता है। तो फॉर और सिंस का प्रयोग ऐसे करते हैं। अब देखते हैं ऑन का प्रयोग भी टाइम के लिए होता। ऑन का प्रयोग जो है वो दिन के लिए होता है, डे के लिए होता है और ऑकेजंस के लिए होता है। अवसर कोई इवेंट है, अवसर है, ऑकेजन है, तब हम उसका प्रयोग। जैसे ही केम ऑन संडे, He came on Sunday. He came on Sunday. ये सही है। कोई भी दिन है उसके पहले on का प्रयोग होता है। He came on Sunday. He came on Monday. नहीं, I am free on Monday. You can come to meet me. I am free on Monday. तो इसका मतलब on Monday हो गया। अच्छा, कोई अवसर होता है उस पर जो है उसके लिए ऑन का प्रयोग होता है। अवसर जैसे कोई ऑकेजन हुआ, जैसे इंडिया बिकेम फ्री ऑन 15th अगस्त, ऑन 15th अगस्त 1947 इंडिया बिकम फ्री ऑन 15th अगस्त 1947। तो ये जब कोई ऑकेजन होता है, किसी तरह का ऑकेजन, हिस्टोरिकल ऑकेजन है, आपके लाइफ का कोई ऑकेजन, तो आई कैन डिपेंड ऑन। अच्छा, अब इन का प्रयोग कहाँ होता है? इन का प्रयोग देखिए,
साल में, ईयर, साल बताना हुआ जिसे ईयर, जैसे ही वॉज बोर्न इन 1939, ही वॉज बोर्न इन 1939। तो इन का प्रयोग जो है यहां पर होता है, इन हो गया, आन हो गया, एट का प्रयोग, एट बराबर पॉइंट ऑफ टाइम होता है, एट बराबर पॉइंट ऑफ टाइम होता है। जैसे आई गेट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गेट अप 7 o'clock इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग और इन द मॉर्निंग, पार्ट ऑफ डे के पहले जो है इन का प्रयोग होगा, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, ऐसे इन द इवनिंग, इन का प्रयोग वहां भी होता पार्ट ऑफ डे को बताने के लिए। तो आई वॉज गॉट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, आई गॉट अप एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो इसमें दोनों का प्रयोग हुआ, यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम बताता है और ये जो पार्ट ऑफ डे है उसके लिए इन का प्रयोग होता है। तो समय बताने के लिए बाई का प्रयोग होता है, जैसे अगर कहें पहले तो पूछने के लिए भी प्रयोग होता है, व्हाट इज द टाइम बाय योर वॉच, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, व्हाट्स द टाइम बाय योर वॉच। तो बाय योर वॉच, बाय योर वॉच, आपके घड़ी में कितने बजे हैं, इसका मतलब होता है बाय योर। तो आप क्या बताएंगे, व्हाट इज द, व्हाट इज टाइम इन योर वॉच, तो आप बता सकते हैं इट इज 6 o'clock, इट इज 6 o'clock, इट इज हाफ पास्ट 6, इट इज हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 6 का मतलब 6:30 बजे, 6:30 हो गया, क्या कहेंगे हाफ पास्ट 6, हाफ पास्ट 6, 6:30 बजे। अच्छा, और 6:15 बाकी हैं, बाकी हैं तो क्वार्टर में, 15 को क्वार्टर बोलते हैं, क्वार्टर टू सिक्स, और 6:15 बचे हैं तो क्वार्टर पास्ट सिक्स। क्वार्टर पास्ट 6, ऐसे बताया टाइम बताने। तो वॉच योर का, वॉच द टाइम बाय योर वॉच, बाय का ही प्रयोग। अब देखते हैं कि और प्रपोजिशन का किस तरह से प्रयोग होता है, जैसे अबाउट, अबाउट का मतलब होता है करीब, तकरीबन, तकरीबन या करीब, जैसे इट इज अबाउट 7, इट वॉज अबाउट 7, इट वॉज अबाउट 7 a.m. that I woke up सात बजे के करीब में उठा। It was about 7,
अबाउट 7 का मतलब 7 बजे के करीब, 7 बजे के, 7 बजे के तकरीबन। ऐसा नहीं कि कोई ज़रूरी एग्जैक्ट 7 है, 7 से थोड़ा इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है, तो इट इज़ 7। अच्छा, एट नाइट होता है, एट नाइट, एट नून, आई डोंट वर्क एट नाइट, आई डोंट वर्क एट नाइट। इन ए डे होता है, इन ए डे, एट नाइट, रात, एट नाइट, इन ए डे, एट नून, दोपहर को एट नून बोलते हैं, एट नून। इस तरह का एक्सप्रेशन आपको याद करना पड़ेगा, एट नून। एंड बिफोर आफ्टर, ये भी टाइम के पहले और बाद की चीज़ को बताता है, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर, बिफोर एंड आफ्टर, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर। एक तो ये हो गया कि इसमें कोई समय नहीं होता, एक साधारण जैसे हो गया वी लुक बिफोर एंड आफ्टर, आगे पीछे देखने को कहते हैं बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर और आफ्टर। इसका मतलब होता पहले और इसका मतलब होता है बाद। तो आई रीच द मीटिंग 2 hours बिफोर, आई रीच इन द मीटिंग 2 hours बिफोर, 2 घंटे पहले, 2 घंटे पहले और 2 घंटे बाद। तो पहले बाद क्या होता है, जैसे ही रीच बिफोर 10 PM, ही रीच बिफोर 10 PM, वो 10 बजे के पहले पहुंचा। और ही रीच आफ्टर 10 PM, 10 बजे के बाद पहुंचा। तो रीच और बिफोर का पहले और बाद के अर्थ में प्रयोग होता है, रीच बिफोर, रीच आफ्टर। और इसके बाद इन, अच्छा ड्यूरिंग, ड्यूरिंग इज ड्यूरिंग का प्रयोग भी होता है। ड्यूरिंग मतलब होता है ड्यूरिंग, जैसे people were not happy, people were not happy, during the British time, during the British time, British time। तो ड्यूरिंग का मतलब होता है के अंदर, के समय, के दौरान, मतलब एक समय का स्टेज बताता है। ड्यूरिंग इज ए स्टेज ऑफ टाइम, कि ये दिस इज द ब्रिटिश पीरियड, ये ब्रिटिश पीरियड है और इस पूरे ब्रिटिश पीरियड को ये बतलाता है कि शुरू से अंत तक जो है लोग जो है वो हैप्पी नहीं थे।
ड्यूरिंग मतलब इट वॉज द टाइम ऑफ